ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है, शिलाद नाम के ऋषि बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने लंबे समय तक पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपने परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी जी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले से लगा लिया। शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र और अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी महाराज जी को बैल के रूप में स्थापित किया जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है, शिलाद नाम